जी सर, जी सर, केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलिक सर, ये बताइए कि एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि ये बंटवारे का बजट है, दूसरी तरफ मायावती इसे घिसा पिटा बजट बताती हैं, और जनता की आंखों में धूल झोंक रही है सरकार, उसकी नीयत नहीं है। लेकिन नीयत से पहले तो मतलब हालात होने चाहिए ना, जो जो वादे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक सरकार जनता को वो सब कुछ दे सके, या फिर बजट के नाम पर सिर्फ दिल्ली से भी काफी कुछ मिलेगा इस तरह की कोशिश की जाए, ये तमाम चीजें सामने होती। थोड़ा सा जनता को समझाइए कि बजट से कितनी उम्मीद लगा सकते हैं हम लोग। देखिए विनीता जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि सरकार जो लगातार ढोल पीट रही थी चुनाव और चुनाव से पहले कि हम देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दे रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं, वो सरकार ने आते ही सबसे पहले बंद किया है और कहा है कि उसमें जो पात्र लोग होंगे उन्हीं को दिया जाएगा और उसमें भी संशोधन कर दिया है और तमाम लोगों के ऊपर दबाव बना जा रहा है कि वो अपने राशन कार्ड जमा कर दें। उसमें ऐसी ऐसी कंडीशनें डाल दी गई हैं कि उसमें मात्र मुझे लगता है 1% या 1.5% लोग भी बड़ी मुश्किल से आएंगे उस दायरे में। और उसमें भी ऊपर से जो प्रक्रिया है सरकार की, उसमें अपना लिस्ट में नाम लिखवाने के लिए, अपने आप को पात्र साबित करने के लिए उनको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। एक तो ये मुश्किलात इस मामले में है। दूसरा, अगर हम विनीता जी बजट की बात करें, सबसे हास्यास्पद ये है जो लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार गन्ना किसानों के लिए ढोल पीट रही है और इसी ढोल पीटने में इनके गन्ना मंत्री चुनाव हार गए हैं और वो अपने क्षेत्र, अपने घर के पास, उनके गांव में जो शुगर मिल थी उसका पेमेंट आज तक नहीं करा पाए, जिसकी सजा उन्होंने चुनाव में मिली है। उसके बाद भी भाजपा की प्रदेश सरकार का कहना है कि अभी तक हमने किसानों को 1,72,745 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। अब ये भुगतान कब से किया है? इनका कहना है कि 2017 से 2022 तक हमने ये भुगतान किया है। तो आप और 20 साल पहले का भुगतान जोड़ लीजिए कि सरकार ने इतना भुगतान दिया है। अरे भाई, आपने पिछले पेराई सत्र में कितना भुगतान किया, आप उसकी बात कीजिए। आपने जो केवल भुगतान है, जो कुल भुगतान है, उसमें से कितना भुगतान किया उसकी बात कीजिए। जो सत्र अभी चल रहा है या अभी जो शुगर मिलें बंद हुई हैं, जो पिछला साल खत्म हुआ है, जो गन्ने का सत्र खत्म हुआ है, उसका कितना फीसदी आपने अभी तक बंद कर पेमेंट किसान को कर दिया है उसकी बात करिए, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। दूसरा, सीधा सीधा माननीय कोर्ट का आदेश है कि अगर शुगर मिलें 15 दिन के अंदर किसान को भुगतान नहीं करती हैं तो वो 15% या 18% ब्याज के साथ किसानों को भुगतान करेंगी। आप मुझे बताइए, अगर उत्तर प्रदेश की किसी एक शुगर मिल ने किसानों को ब्याज तो छोड़िए मूल भी दिया हो। और इसके पलट अगर हम दूसरी तस्वीर देखें, इसमें कई सारी ऐसी निजी शुगर मिलें हैं कि वो 100% भुगतान कर रही हैं। मेरे को ये समझ नहीं आया कि सरकार उनसे क्यों नहीं सीखती है, अपने जो अधिकारी हैं उनको उनकी ट्रेनिंग लेने के लिए क्यों नहीं भेजती है। तो इसमें क्या है कि इसमें विनीता जी बड़ी घालमेल है। और इसमें क्या होता है कि जैसे सरकार ने इस बजट में भी 1,000 करोड़ रुपए का लोन की स्वीकृति दी है। अब वो लोन सरकार लेगी, शुगर मिलों को देगी, जो शुगर मिले हैं, शुगर मिल की कंपनियां हैं, वो इस मद में शुगर मिल में गन्ने किसानों का भुगतान ना करके दूसरे कामों में उस पैसे को यूज कर लेती हैं और सरकार कुछ नहीं कहती है, क्योंकि सरकार के लोग भी उस बंदरबांट में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ राजनीतिक लोग भी इन्वॉल्व होते हैं और आखिरकार परेशानी किसान को होती है। दूसरा, अगर हम बात करें, इसमें कहा गया है कि किसानों को सिंचाई के लिए सरकार जो है निशुल्क सोलर पैनल देगी। अब आप मुझे बताइए, जिसकी 10 हॉर्स पावर की मोटर है, जिसकी 12 हॉर्स पावर की मोटर है, वो क्या सोलर पैनल से चलेगी? अगर सोलर पैनल से चलेगी तो जो बिजली के रेट इतने सरकार ने बढ़ाए हैं, किसान उसको वहन कर लेगा? कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो डीजल इंजन चला के, ट्रैक्टर चला के किसान सिंचाई करते हैं, उसका क्या होगा? तो उस पर सरकार का कहीं ध्यान नहीं गया, मेरा कहना यह है। दूसरा, सरकार इसमें इस बजट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो किसानों की 2018 से संचालित है, उसमें लगभग
2.55 करोड़ कृषक बैंकों के खाते में आ गया है। तो उसमें जो पैसा किसानों को आप दे रहे हैं प्रधानमंत्री योजना में, किसान कहता हमें चाहिए ही नहीं, आप हमारी जो फसलें हैं उनका वाजिब दाम हमें दे दीजिए और हमें सरकार की किसी भी दया की जरूरत नहीं है। तो एक तरफ तो सरकार ना गन्ने का भुगतान कर रही है, ना गेहूं की खरीद होती है ढंग से, ना दूसरी जो फसलें उनका भुगतान सरकार करा पाती है, और 6,000 रुपये प्रधानमंत्री जी साल में किसानों के खाते में भेज देते लेकिन हैं। हर घर से एक नौकरी तो देंगे ना योगी जी। देखिए ये अगर विनीता जी देखें जो आंकड़े सरकार बताती है, ये सब कागजी आंकड़े होते हैं, ना कोई इनको चैलेंज कर सकता। इतने बड़े प्रदेश में एक एक घर में जाके ये देखना आपको, संभावित संभावित चीजें है ना। देखिए ये मैं इसीलिए कागजी बजट कह रहा हूं ना कि ये कागजी बजट होता है, और ये जो बाबू लोग होते हैं सरकार के वो बना के दे देते हैं, और मंत्री जी आके विधानसभा में या दिल्ली में अगर आप देखेंगे लोकसभा में मंत्री जी पढ़ देते हैं और पढ़ के चले जाते हैं, और उस पर कार्यान्वयन होता है नहीं होता है कोई नहीं पूछता। अब आप मुझे बताइए जो पिछले साल बजट की घोषणा हुई थी, अगर उसका आकलन आप करें, उस पर चर्चा करें, क्या कितनी चीजें उस बजट में से हो गई, इस बात को कौन पूछता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को वास्तव में जो चीजें भले ही कम करें, छोटी घोषणाएं करें, और वो एक एक सीजन का बताएं। अब मुझे हंसी आती है बार बार कि आप 2017 से आज तक का बता रहे हैं, आप 2021-22 का क्यों नहीं बताते, आप 2020-21 का क्यों नहीं बताते। वो नहीं बताएंगे क्योंकि उसमें पेमेंट हुआ ही नहीं है। आप बार बार ढोल पीट रहे हैं कि भारत में सबसे ज्यादा भुगतान करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार, अपने आप ही सबसे ज्यादा करने वाली होगी जब देश का सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। आज अपने आप ही आप सबसे ज्यादा करेंगे जब सबसे ज्यादा जनसंख्या देश में उत्तर प्रदेश की है, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं। अब आप ये भी बोलिए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या पैदा करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार, उसमें आपका क्या सहयोग है। सबसे तो ज्यादा रेप ये के आंकड़े, महिलाओं के साथ दुराचार वाले आंकड़े शायद भूल जाते नहीं, हैं उसमें वो नहीं आएंगे, उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये इस तरह की चीजें, मेरा मानना ये है कि सरकार को ये सारी चीजें सोचना चाहिए। इसमें मैंने एक को एक चीज और इसमें विनीता जी लिखी थी, मैं आपको बताऊं कि सरकार एक और, जैसे हम खेती किसानी की बात करें, सरकार एक और किसान के साथ मजाक कर रही है, और सरकार का कहना है कि किसान प्राकृतिक खेती करें, किसान को प्राकृतिक खेती करने में सरकार सहयोग करेगी। अब ये जो प्राकृतिक खेती है, इसकी वो क्या बोलते हैं, इसकी व्याख्या क्या है, प्राकृतिक खेती क्या है। प्राकृतिक का मतलब तो यह है कि प्राकृतिक खेती अपने आप हो जाएगी, उसमें ना खाद डालने की जरूरत है, ना पानी डालने की जरूरत है, ना केमिकल मतलब डालने की जरूरत अभी है, ना तक की कीट। जो खेती हाँ हो रही थी वो प्राकृतिक नहीं है, नहीं, उसमें उसमें मानना वो यह है कि ऑर्गेनिक किसान बोल जो रहे है, होंगे, ऑर्गेनिक तो नहीं बोल रहे हाँ हैं नहीं, प्रॉपर। प्राकृतिक खेती वर्ड यूज किया उन्होंने, कहा है कि प्राकृतिक खेती किसान करें और उनको प्रोत्साहन सरकार देगी। तो उसमें लेकिन सर प्राकृतिक खेती में यह है, उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी जब तैयार करते हैं इस तरह से, उसमें कितनी बार तो कितने लकुने सामने आ चुके हैं हिंदी अंग्रेजी को लेकर के। हो सकता है यहाँ भी ऐसी कोई गलती रह गई हो। मैं सर एक चीज और कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह से वित्त मंत्री ये सुरेश खन्ना ने 15,518 करोड़ का बजट सामने रखा है, क्योंकि आप दोनों वरिष्ठ हैं, आप दोनों ने देखा है कितने बजट आए गए हैं और कितना फर्क हुआ है नहीं हुआ है, तमाम चीजें हैं। तो कुल मिलाकर की बात ये कि क्या कभी आपने ऐसी भी कुछ वाक्य आपको याद आते हैं जिसमें बजट को लेकर के ये मंत्री पहुंच तो जाते हैं, पढ़ भी देते हैं, लेकिन इनकी खुद की जानकारी कम रहती है, खुद की इनकी स्थितियां इस तरह की होती है, इनको पता ही नहीं होता है कि किस तरह की चीजें, बस जाएंगे और पढ़ के आ जाएंगे, और किस तरह से तैयार हो रहा है। क्या इनकी कुछ सहमति, खुद वित्त मंत्री की से कुछ चर्चा हुई भी होगी कि नहीं हुई होगी, और जो जानकारी है उसके मुताबिक तो उनको पता भी नहीं है ढंग से पूरे इसका खाका जो तैयार हुआ है बजट का इस बार का। देखिए विनीता जी, अगर मैं अपना अनुभव आपको बताऊं बजट का, तो हमने कई बार केंद्र का बजट कवर किया है और बहुत बारीकी से कवर किया है, क्योंकि मैं TV18 और बिजनेस के कई सारे चैनलों में काम कर चुका हूं। उसमें केंद्रीय जो मंत्री होते थे, वित्त मंत्री होते थे, वो लगातार कई महीने पहले अलग-अलग लोगों से, अलग-अलग लोगों के ग्रुपों से चर्चा करते थे। जैसे वो पहले बैंकिंग के लोगों से बात करते थे, फिर व्यापारियों के विभिन्न ग्रुपों से बात करते थे, किसान प्रतिनिधियों से बात करते थे, और वो जो व्यापार में अलग-अलग क्षेत्र के लोग हैं उन व्यापारियों से वो बुला के बात करते थे, डिस्कशन करते थे, और उसके बाद एक बजट पेश किया जाता था। और उसमें क्या होता था कि बहुत सारी जानकारी मंत्री को और उसके जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे, जैसे अलग-अलग सेक्रेटरी होते हैं यहाँ पे,
फाइनेंस सेक्रेटरी अलग होते हैं, वो आपके जो बोलते हैं इकोनॉमिक्स अफेयर के अलग सेक्रेटरी होते हैं, तो अलग अलग सेक्रेटरी होते थे और वो तमाम उस पर तैयारियां करते थे और उसमें लगभग 6 से 8 महीने पहले ये तैयारियां शुरू हो जाती थी। एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि जब नई सरकार बनती है, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि नए मंत्री आए हैं, पिछली बार उन्होंने क्या किया, क्या हुआ, नहीं हुआ, वो कई सारी चीजें उनकी नॉलेज में नहीं होगी, और बाबू लोग होते हैं। और मैं आपको एक और अनोखी चीज बताता हूं कि कंप्यूटर पे जो बजट की या दूसरी चीजें होती हैं, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दी जाती हैं, पीछे से उठाई कॉपी पेस्ट कर दी, जहां पे 19 जहां पे 2019 लिखा हुआ उसको 2021 तो कर दिया, जहां 21 लिखा हुआ उसको 22 कर मतलब दिया, मायावती ठीक ही कह क्योंकि रही होंगी, घिसा पटा बजट है, पुरानी चीजें पहचान गई होंगी वो कॉपी पेस्ट देखिए के। मायावती मायावती जी का कहने का यह है कि मायावती जी विपक्ष में हैं और उनको लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से वो उन्होंने बोलना शुरू किया। अगर आप देखें पूरे चुनाव में कभी वो भाजपा के या सरकार के विपक्ष में खिलाफ एक वर्ड उन्होंने नहीं कहा। अभी पिछले दिनों उन्होंने, उनको मुझे लगा कि राज्यसभा में कोई सेटिंग उनकी भाजपा से नहीं हो पाई है, इसलिए मुखर होके आजकल बोल रही हैं और इसीलिए वो बजट को इस तरह का बता रही हैं। उनकी सरकार में भी इसी तरह के बजट आए हैं, पहले भी आते रहे हैं और आगे भी आएंगे। तो ये तो जो विरोधी दल होते हैं उनको तो टिप्पणी करनी होती है, चाहे वो अखिलेश जी हो चाहे वो मायावती हो, उनका धर्म है और उनका राजनीतिक क्या कहते हैं, राजनीतिक दायित्व भी है कि वो बजट का विरोध करें, चाहे बजट कितना भी अच्छा हो और चाहे बजट कितना भी खराब हो, सरकार उसको अच्छा बताएगी, सरकार के लोग उसको अच्छा बताएंगे। इसमें कोई नई बात मुझे दिखाई नहीं देती विनीता जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।